हेलो फ्रेंड्स, झारखंड के वीर सपूत सेनानी में अभी हम बात करेंगे पांडे गणपत राय के बारे में। और ये जो पांडे गणपत राय थे, वे छापामार युद्ध से अंग्रेजों को परेशान करने वाले वीर सपूत थे झारखंड के। ये छापामार युद्ध यानी कि गुरिलेयर जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसी के माध्यम से ये अंग्रेजों के नाकों में दम करके रखा था। और ये झारखंड के वीर सपूत सेनानी रह चुके हैं, इनका नाम है पांडे गणपत राय। तो इनके बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी को हम लोग आगे देखते हैं। पांडे गणपत राय का जन्म 1809 ईस्वी में लोहरदगा के भंडरा थाना अंतर्गत भौरा गांव या वर्तमान गुमला के पालकोट अंतर्गत पतिया गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम रामकृष्ण राय या रामकृष्ण राय था। दोस्तों, इनका जो जन्म है वह तो 1809 यानी कि 1809 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका जन्मस्थान उनको लेकर के आपको कहीं कहीं पर अलग अलग जानकारियाँ मिल जाएंगी। मतभेद है इनका जो जन्मस्थान को लेकर के, तो एक है लोहरदगा के भंडरा थाना अंतर्गत भौरा गांव और दूसरा है वर्तमान गुमला के पालकोट अंतर्गत पतिया गांव में। तो यहाँ दोनों ही आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनके जो पिता का नाम है वह रामकृष्ण राय या इसी को रामकृष्ण राय भी कहते हैं, तो ये इनके पिता का नाम था। दोस्तों, पांडे गणपत राय बचपन में ही या बचपन से ही चतुर और मेधावी थे। साथ ही इनका व्यक्तित्व प्रखर था तथा शासन करने की कला भी इन्हें मालूम थी। तो पांडे गणपत राय बचपन से ही बहुत ही चालाक थे, चतुर थे, साथ साथ मेधावी थे, यानी पढ़ने लिखने में भी ये तेज थे। और इनका जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनैलिटी था, वह प्रखर था, बहुत ही अच्छा था और तेज था। और ये शासन किस प्रकार करना है, ये शासन चलाने के लिए शासन करने की कला भी इन्हें मालूम थी। इनके चाचा सदाशिव राव की मृत्यु के पश्चात छोटनागपुर पालकोट के दीवान बनने का अवसर मिला। दोस्तों, इनके जो चाचा हैं, जो चाचा थे सदाशिव राव, ये वहाँ के दीवान थे। तो इनकी मृत्यु के पश्चात छोटनागपुर पालकोट का जो दीवान है वह बनने का अवसर इन्हें मिला, यानी कि पांडे गणपत राय को मिला। दोस्तों, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह झारखंड क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा था। मातृभूमि की आज़ादी के लिए बहुत सैनिकों ने, बहुत से सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। क्योंकि उस समय भारतीय जो थे वे पूरी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम थे, चंगुल में थे। तो यहाँ से इनको आज़ादी के लिए कुछ न कुछ करना था। तो इसी कारण से 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें झारखंड क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा था और यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों ने अपना जान देने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, तत्कालीन छोटनागपुर क्षेत्र के बड़का गाँव के स्वामी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इस संग्राम में इस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, इस समय बड़का गाँव क्षेत्र का जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, वो यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे इस संग्राम में। और उस समय हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों ने गणपत राय की मदद से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क किए और 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में विद्रोह करने के बाद आगे बढ़ते हुए 1 अगस्त 1857 को डोंडा छावनी रांची में विद्रोह कर दिया और 2 अगस्त 1857 को रांची का शासन विद्रोहियों के अधिकार में आ गया। दोस्तों, जब यह संग्राम आरंभ हुआ, उस समय हजारीबाग के जो विद्रोही सैनिक थे, वे लोग पांडे गणपत राय की मदद से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क किए और डेट है 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में विद्रोह कर दिए विद्रोही सैनिक। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए 1 अगस्त 1857 को ही ये रांची के डोंडा छावनी में विद्रोह कर दिया और 2 अगस्त 1857 में जो है रांची का जो शासन है वह इन विद्रोहियों के अधिकार में आ गया। दोस्तों, इस अचानक विद्रोह से डर कर छोटनागपुर का कमिश्नर डाल्टन भाग निकला और इसके बाद करीब 20 दिनों तक रांची का शासन विद्रोहियों के हाथ में रहा। दोस्तों, ये अचानक से विद्रोह हो जाने के कारण छोटनागपुर का जो कमिश्नर था डाल्टन, वह भाग निकला और इसके बाद से करीब 20 दिनों तक पूरा रांची का जो क्षेत्र है उसका शासन विद्रोहियों के हाथ में रहा। दोस्तों, विद्रोहियों में नेतृत्व का अभाव होने के कारण नेतृत्वकर्ता के रूप में ठाकुर विश्वनाथ और सेनापति पांडे गणपत राय नियुक्त किए गए या बने। तो विद्रोहियों में नेतृत्व की कमी देखने लगी थी, अभाव होने लगा था। इसी कारण से ये लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में यानी कि लीडर के रूप में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का नियुक्त किया, सहदेव को नियुक्त किए और सेनापति के रूप में पांडे गणपत राय को इनके द्वारा नियुक्त किया गया। दोस्तों,
इन्होंने वीर कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए मिलना चाहते थे और इसी कारण से डोरंडा रांची चतरा में विद्रोह की कमान संभाली। दोस्तों पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वीर कुंवर सिंह से मिलकर के विद्रोह की गति को आगे बढ़ाना चाहते थे, विद्रोह को और विस्तृत भागों में फैलाना चाहते थे, तो इसी कारण से ये लोग वीर कुंवर सिंह से मिलकर के आगे का काम करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने मिलना शुरू किया था और इसी कारण से ये पहले डोरंडा में फिर रांची में और फिर चतरा में विद्रोह कर दिया और यहाँ पर फिर इन दोनों ने विद्रोह की कमान संभाली। चतरा की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी पड़ता देख ये लोहरदगा के जंगलों में जाकर छिप गए और वहीं से छापामार युद्ध जारी रखा। दोस्तों चतरा की जो लड़ाई हुई 2 अक्टूबर 1857 को, वहाँ पर अंग्रेजों का पलड़ा जो था वह थोड़ा सा भारी हो गया था, तो इसी कारण से ये दोनों यानी कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय लोहरदगा के जंगलों में भाग कर जाकर छिप गए और वहीं से छापामार युद्ध जारी रखा, यानी कि गुरिल्ला युद्ध को इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जारी रखा। बाद में ठाकुर विश्वनाथ शाही गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन पांडे गणपत राय अपने गांव भौरा लौट गए। दोस्तों चतरा की लड़ाई के बाद में ये लोग जंगलों में जाकर के छिप गए थे लेकिन फिर बाद में होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन पांडे गणपत राय जो उनके सेनापति थे वे अपने गांव लौट गए, हुए नहीं पकड़े गए थे। अंग्रेजों को इनकी सूचना मिली तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार करने पहुँच गए लेकिन पांडे गणपत राय चरवाहे का भेष बनाकर घर से बाहर निकल गए। दोस्तों अंग्रेजों को इनकी सूचना मिली कि पांडे गणपत राय अपने गांव भौरा लौट गए हैं तो वे लोग जो है अंग्रेज लोग वे इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे इनके घर पर, लेकिन पांडे गणपत राय चालाकी दिखाते हुए चालाकी करते हुए चरवाहे का भेष बना करके अपने घर से बाहर निकल गए। बाद में वे रास्ता भूल कर परहेपाट गाँव पहुँचे जहाँ महेश शाही जमींदार थे और अंग्रेजों का पिट्ठू था। दोस्तों ये घर से बाहर तो निकल गए लेकिन वे कहीं जाना चाहते दूसरे जगह, लेकिन वे रास्ता भूल करके परहेपाट गांव पहुंच गए और जहां पर महेश शाही जमींदारी करते थे, यानी कि महेश शाही परहेपाट गांव का जमींदार थे और ये जो महेश शाही थे वे अंग्रेजों का पिट्ठू था, यानी अंग्रेजों के तरफ का था, अंग्रेजों के लिए ही अंग्रेजों के जैसे ही ये सोचता था और उसी प्रकार कार्य करता था। तो महेश शाही वहाँ पर इनका पहले खातिरदारी किया और बाद में अंग्रेजों को सूचना दे दी। तो महेश शाही पहले इनका खातिरदारी किया और फिर बाद में इन्होंने इस सूचना को अंग्रेजों को दे दिया। फिर पांडे गणपत राय को सियोनिस्ट ढंग से पकड़ लिया गया और बाद में 21 अप्रैल 1858 में रांची कमिश्नर डॉल्टन ने फांसी की सजा सुनाई और रांची जिला स्कूल के समय फांसी दे दी गई। तो बाद में इनको पकड़ लिया गया वहाँ सुनियोजित ढंग से और 21 अप्रैल 1858 में रांची कमिश्नर जो थे उस समय के डॉल्टन, उन्होंने इनको फांसी की सजा सुनाई और रांची जिला स्कूल के समीप फांसी दे दी गई। इस जगह पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की भी 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था और इसी जगह पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो उस समय वहाँ के राजा थे, वहाँ के नेतृत्व करता थे, तो उनको भी इसी जगह पर रांची जिला स्कूल के समीप 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दिया गया था। तो इस प्रकार सदा के लिए हमारे वीर सपूत पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव सदा के लिए हमसे दूर चले गए और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपने आप को त्याग कर दिया। तो इनके त्याग को हमें भूलना चाहिए, हमें इनके साथ साथ नमन भी करते रहना चाहिए और हमें इन पर और इनके जो है इस प्रकार के कार्यों पर गर्व है। तो दोस्तों इस प्रकार से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, बदला लेते रहे और अपने देश को आज़ाद करने के लिए, अपने मातृभूमि को रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद भी हो गए।